बाहर से तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, अंदर से जाके देखना पड़ेगा कैसा है। बाहर के व्यू आपने देख ही लिए। और आसपास में काफ़ी सारी मार्केट्स हैं यहाँ पे, तो शॉपिंग भी कर सकते हैं आप लोग। काफ़ी सही जगह है, और यहाँ पे आने के लिए ओला या उबर के ऑटो यूज़ करें, क्योंकि यहाँ के जो लोकल ऑटोज हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। जैसे मुझे 10 किलोमीटर जाना था तो 300 रुपये मांग रहा था ऑटो वाला, और मैंने उबर की बाइक वाली राइड ले ली, जिसमें मेरे को 77 रुपये में ही वो चीज़ मिल गई। 77 रुपये में मैं अपनी डेस्टिनेशन पर आ गया, और हवा महल पे आने के लिए 113 रुपये लगे मेरे को, जो कि अदर ऑटो वाले 300-350 मांग रहे थे सिर्फ 11 किलोमीटर के। तो ओला उबर मस्त है, यहाँ पे आके ज़रूर लेना। और देखो यार, हवा महल बहुत अच्छा है। और गाइज, इसे बनाने में बहुत ही डिटेल में काम किया गया है। आप जैसे देखोगे ना, ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें गेट लगे हुए हैं छोटे छोटे, और ये खुलते भी हैं। देखिए यहाँ वाला खुला हुआ है, ऐसे गेट लगे हुए हैं इसमें, खुलते भी हैं। अभी एक भाई अंदर से झांक रहा था, ये देखिए इस टाइप का ना, ये खुलता भी है अंदर से, तो देखते हैं टिकट वगैरह ले, देखता हूँ अंदर कैसे जाना है, उसके बाद मिलते हैं। तो ये महल का रास्ता है, 9 से 5:30 तक खुलता है महल। और यहाँ लगी है टिकट की लाइन, आपको घूम के आना पड़ेगा इस तरफ। सो गाइस, ये है एंट्री इस महल की, पीछे से है, और 50 रुपये का एंट्री टिकट है यहाँ पे।
शरद मंदिर, और यहीं से वो खिड़कियाँ खुलती हैं। मैं देखता हूँ अगर एक भी खिड़की में खोल पाया तो, यहाँ पे नहीं है। यस मिलेगी हमें, मिलेगी खिड़की तो मिलेगी ज़रूर। यस यस, छोटी खिड़की को तारा लगा रखा है, मतलब तार से फंसा रखा है। ये एक बाहर से गेट की तरह है, और यहाँ से बाहर का पूरा सीन देख सकते हैं, पूरा व्यू यहाँ से ले सकते हैं बाहर। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर। यहाँ भी लगी हैं छोटी छोटी खिड़कियाँ, इनसे आप बाहर झांक सकते हैं। ये देखिए पूरा मार्केट का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है।